खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये बड़ी खबर बताते हैं, दिल्ली के 30,000 कोर्ट में इस वक्त जोरदार हंगामा, बड़ा बवाल। और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये कि दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच ये झड़प इस वक्त चल रही है। पुलिस और वकीलों के बीच हंगामा जमकर हो रहा है। वजह क्या है, सीधे रुक करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, ये हिंसक झड़प क्यों? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपसे थोड़ी देर पहले की ये बात है कि जब एक वकील है वो लॉकअप के पास अपनी गाड़ी को लगा रहे थे, तब एक पुलिस वाला वहां पर पहुंचा और उसने उस वकील को कहा कि गाड़ी यहां पर मत लगाइए क्योंकि ये लॉकअप की जगह है। इसी बात को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि ऐसा आरोप वकीलों की तरफ से लगाया जा रहा है कि उस वकील को जो पुलिस वाले थे वो लॉकअप के अंदर ले गए, उसके बाद उस वकील की पिटाई की, फिर वहां पर और वकील इकट्ठा हुए और जब ज्यादा वकील इकट्ठा हुए तो पुलिस वाले ने अपना बचाव करते हुए वकील पर गोली चला दी। जिस वकील को गोली लगी है उसका नाम विजय वर्मा है, उसे पास ही के सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती। वकील उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस की जितनी भी गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उन गाड़ियों में आग लगा दी है। करीब 2000 के आसपास वकील वहां पर अभी इस वक्त भी सारी कोर्ट के अंदर इकट्ठा हो चुके हैं। भारी पुलिस बल अभी वहां पर तैनात है। जजेस जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वकीलों से कि वो हट जाएं, सामने से चले जाएं, क्योंकि अब वकीलों ने तीन क्रिमिनल्स, एक वैन के अंदर तीन क्रिमिनल्स है, उस गाड़ी को रोका हुआ है, उस गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। फिलहाल अभी बवाल वहां पर लगातार हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उस बवाल को खत्म किया जा सके।